सबसे बहुत चर्चित दिन है और बहुत ही विद्यार्थियों के दृष्टि से और टीचर के दृष्टि से सभी के दृष्टि से जो है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़िए शांति से आप लोग। तो आज का दिन जो है स्पेशल शिक्षा को समर्पित बनाया गया और आपको पता है कि आज जो है देश के जाने माने शिक्षा सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी साहब का क्या है जन्मदिन है और उन्हीं के याद में हम लोग हर साल जो है शिक्षक दिवस अपने अपने शिक्षकों के सम्मान में मनाते हैं। और उनका जन्म आपको पता ही होगा कि 5 सितंबर 1888 को चेन्नई में जो है उनका जन्म होता है गांव में। और उनके जो है वह जो है शिक्षा के क्षेत्र में लंबा समय दिए थे, काफ़ी वक्त बिताए थे और उनके शिक्षा प्रति सम्मान को देखते हुए जो है बहुत सारे लोगों ने उनका जो है जन्मदिन मनाने के बारे में उसको जो है गए थे उनके पास। उन्होंने कहा था कि हमारा जो स्पेशल बर्थडे मनाएंगे उससे अच्छा है कि आप हमारे डेट को हमारे जन्मदिन को जो है एक ऐसे दिवस के रूप में विकसित कीजिए ताकि जो भी अपने देश में शिक्षक है चाहे दुनिया में शिक्षक है जो वो सबके सम्मान दे सके। और वो लगभग 40 साल से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना सेवा दिए थे और सब और उन्होंने जो है काफ़ी वक्त जो है टीचिंग में दिए और वो आगे चलकर जो है देश के उपराष्ट्रपति ही बने थे और आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने और इस प्रकार से भी सेवा की। और हम लोग क्या करते हैं उनका जो है हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। और देखिएगा उनका मानना था कि जो भी समाज है वह जो है शिक्षा के दम पर ही सुधरेगा। जिस समाज में शिक्षा नहीं होगा वो समाज समझिए बहुत पीछे हो जाएगा। किसी भी देश को आगे करने के लिए किसी भी समाज को आगे करने के लिए शिक्षा जरूरी है। इस देश का जिम्मेवारी जो है देश के युवाओं पर है। इस देश के युवाओं का जो अब जिम्मेवारी बनता है कि वो क्या करे मन से पढ़े और शिक्षा क्या करे ग्रहण करे और अपने देश को आगे जो है ले चले। इसलिए आप लोगों को जो है ढंग से पढ़ना चाहिए, जो भी कर्म है सब करना चाहिए। तो आप लोगों का जो पहला कर्तव्य बनता है कि आपका जो कर्म है अभी फिलहाल शिक्षा ग्रहण के स्टेज लगने में है आप लोग, अतः उस शिक्षा करने वाले जो एज है उसको अच्छा से हटा कीजिए, उपयोग कीजिए, दुरुपयोग करने से बचिए और ज़्यादा समय जो अपने पढ़ाई पर दीजिए ताकि आप पढ़िएगा तभी आपने देखा है इस बीच में जो है आपने देखा देखी जो है आपके समाज के बच्चे भी पढ़ेंगे। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो समझिए समाज के जो आपके बगल के विद्यार्थी है जो भी आपसे जूनियर है जो छोटे भाई है बहन है उन लोगों को भी गलत फील जाएगा और लोग भी पढ़ाई से दूर भागने रहेगा। आप अच्छा से पढ़ते हैं तो कुछ मुकाम प्राप्त करते हैं, आप कुछ बनते हैं तो समझिए उससे हजारों विद्यार्थियों का और मनोबल बढ़ता है और वो लोग भी पढ़ाई में जो है रुचि देता है। इस समाज को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप में सुधार कर लीजिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। आप अपनी पढ़ाई ठीक कर लीजिए, अपने आप जो बच्चे हैं जो आपके जूनियर हैं जो आपके भाई हैं बहन है सब के सब जो है एक रास्ता एक उचित रास्ता क्या करेगा लोग पकड़ लेगा। और आप लोगों को शिक्षा का मतलब यह ना होना चाहिए कि खुद का ही लाभ लिया जाए। अभी के समय में जो है शिक्षा जो है स्वार्थ से जुड़ते जा रहा है, लोग पढ़ लिख कर जो है सिर्फ अपने ही भले में लग गया है। ऐसा शिक्षा कोई सही उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा ऐसा हो कि अगल बगल में प्रकाश भी फैला है, आप पढ़े तो उसका लाभ जो है समाज को मिले, कुछ अन्य लोगों को मिले, कुछ दबे कुचले वंचितों को मिले, सबको मिले, जो गरीब है उसको मिले। तो शिक्षा ऐसा ना हो कि पढ़ लिए और अपना और अपने परिवार का ही भला कर रहे हैं। तो शिक्षा कुछ अभी वर्तमान समय में शिक्षा जो है स्वार्थ से जुड़ते जा रहा है। लोग पढ़ता ही अब इसलिए कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे,
ज़्यादा रुपया कमाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे ज़्यादा रुपया कमाएंगे, सब कोई का शिक्षक का जो है उद्देश्य बन गया है क्या पैसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जो है समाज का सेवा होना चाहिए। कुछ ऐसा कुछ करके जाइए कि आपको लोग जो है युगो युगो याद रहे, जैसा सर्वपल्ली राधा कृष्णन करके गए, देश के अन्य विद्वानों करके गए, उनको उनका उनके जो याद है, उनकी जो कृति है, उनके कृतियों के दम पर ही हम लोग आज जो है हर साल उनको याद करते हैं। इसलिए आप लोगों के पास भी मौका है, कुछ ऐसा करके जाइए ताकि आने वाला पीढ़ी, आने वाला नस्ल आपको याद करे, समाज को कुछ दे कर जाइए, तो सबसे पहले तभी दे सकते हैं कुछ समाज को जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तब आपके अंदर वो दम, वो मजबूती आएगी, तब इस समाज को खड़ा कर सकते हैं। और आप जो है समाज सुधार में चले हैं, आप भी नहीं सुधरिएगा, आपके अंदर कुछ दम नहीं हुआ, आपके अंदर ही क्षमता क्रिएट नहीं किए, तब उस समाज को आप नहीं सुधार सकते। क्योंकि आप ही खुद नहीं सुधरे तो क्या दूसरे को सुधारिएगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर के जो अवगुण है, खराबियाँ है, उसको दूर कीजिए और एक मंजिल, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ कर दीजिए। आप अपनी तैयारी को एक धार दीजिए ताकि उस मुकाम को प्राप्त कर कीजिए आप, और उस मुकाम को प्राप्त करने के बाद ही आप जो है इस समाज को कुछ दे भी पाइएगा, समाज आपको अहमियत भी देगा कि हाँ इस बंदे में कुछ दम है, और आपके बातों का उन पर असर भी पड़ेगा। अभी कुछ नहीं कीजिएगा, उन्होंने कुछ कहिएगा बच्चा सा पढ़ो, ये पढ़ो, उनको समझाने गए आप पढ़ भी नहीं किए, आप पैर के हाथ उगा रहे हैं, आप उनको माता पिता जो है उसको कह रहे हैं कि अब अपना बाल बच्चा क्या कीजिए, पढ़ाई बड़ी बढ़िया चीज़ है, पढ़ाई क्या कहेगा, तो पढ़ा लिखा तो क्या कर रहा है, भगवा तो रहा है, कोई लगा हम लोग बाल बच्चा भगवाएगा उसी तरह बताइए, ऐसे लोग गलत उदाहरण यूज करता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि पहले आप लोग मन से पढ़िए, आप पढ़ के अपना छाप पहले छोड़िए, तो फिर कहने की भी जरूरत नहीं होगी, और लोग आपको एकदम हाथों हाथ लेंगे और सब अपने बच्चे को, इस समाज को जो है सबके सब पढ़ाएंगे। इसे शिक्षा को जो है एकदम साथ लेकर चलना है, और शिक्षा का जो है उद्देश्य जो है हम लोगों को सबका करना है, हेल्प और मदद ऐसा करना है कि सबका विकास हो सके। उसके बाद आप लोगों पर जो है जिम्मेवारी है इस समाज को निर्माण करने का, तो आए वाला समय में यह देश जो है आप ही की तरफ देख रहा है कि आप लोग किधर बढ़ रहे हैं, आप लोग किधर चल रहे हैं। किसी भी देश को जो है आगे अगर करना है ऐसा कहा जाता है, तो शिक्षा के आगे कर दीजिए। शिक्षा अगर आगे हो जाएगा तो देश, वो समाज, वो गांव, वो व्यक्ति जो है अपने आप विकास कर लेगा। और देश को अगर गिराना है, अगर देश को कमज़ोर करना है, समाज को कमज़ोर करना है, तो सबसे सस्ता आसान उपाय है कि स्कूल का किया जाए, पढ़ाई से हो दिया जाए। अगर समाज को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई जैसा कि पहले था, पहले कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को, या कुछ लिंग के आधार पर भी कुछ शिक्षा विक्षा में भेदभाव किया जाता था, तो उन लोगों का भी मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि लोग ना पढ़ेगा तो कुछ टॉकिंग नहीं करेगा, हमसे बात ना करेगा, गलत सही इसको उठाए नहीं चलेगा, हम जो कहेंगे हमारे गुलामी करेगा ना। इसीलिए बहुत सारे पहले जो है लड़कियों को भी शिक्षा से दूर रखा जाता था, तो उन लोगों का जो कानून बनाए शायद उन लोगों का यही मकसद ही रहा होगा कि ये बेटियाँ, ये लड़कियाँ यदि पढ़ लेती है तो क्या हो जाएगा, गलत समझ में, तो ये हमसे क्या करेगी, बहस करेगी, उस पर सवाल करेगी, इसीलिए उनको शायद शिक्षा से दूर रखा जाता होगा, हमारा तो यही मानना है। लेकिन अब वैसी भारत में व्यवस्था नहीं है, अब जो है हर समाज के वर्गों को पढ़ने का मौका दिया गया है, जिसमें हमारी बेटियाँ वाले अब जो है कदम के साथ जो है लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर वो पढ़ रही है, और बढ़ रही है समाज के हर क्षेत्र में, वो अपना नाम कर रही है। और इसमें जो है विद्यार्थी यानी लड़के भी पूरे आगे हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे है, यानी किसी को पीछे नहीं जाना है, यह नहीं सोचता कि हम पीछे हैं, बल्कि सबको सोच कर पढ़ना है, और कंपटीशन जो है दूसरे से नहीं करना, खुद से करना, अपना देखिए, दूसरे के बारे में सोचिए कि फलना बड़ी पढ़े में तेज है, फलना नहीं पढ़ रहा, फलना राधा पढ़ रहा, तो आप दूसरे के बारे में सोचिएगा तो अपने बारे में कब सोचिएगा। इसलिए दूसरे के बारे में सोचने से अच्छा है हम तो ये कहेंगे कि आप अपने देखिए, आप अंदर झांकिए कि आप अपना समय कहीं की वजह के लॉस तो नहीं कर रहे हैं क्या, यह जो समय रोज रोज बर्बाद करने का एक तरह के आदत तो नहीं बन गया है आपको। ऐसा होता है कि आपका जो समय है ना कैसे कैसे लॉस कर देते हैं आपको पता भी ना चलता होगा, और एक तरह की आदत ही बन जाता होगा आपको, और पर डे आपका लंबा लंबा घंटा जो है गुजर जाता होगा और आपको पता भी ना चलता होगा। समय गुजर जाएगा तो आप लोगों को जो है बहुत बुझाएगा, हर व्यक्ति को बुझाता है, तो समय रहते जो है आप लोगों को संभालता है कौन,
शिक्षक संभालता है, ये शिक्षा संभालेगा। और शिक्षक, शिक्षा को देने वाले कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। आप कहीं भी पढ़े और कहीं भी हो, कोई भी सर पढ़ाए, हर अपने शिक्षक के प्रति जो है आदर रखना चाहिए। माता पिता जो है जन्म दिया है, माता पिता क्या किया आपको, इस बड़े कष्टों के साथ जो है ऐसे कहा, ऐसे जो है सबसे पहला शिक्षक विद्यार्थी का जो है माँ होती है और माता पिता ही होते हैं, क्योंकि पहला जो है आपको शिक्षित करने का काम आपके माता पिता ही करते हैं। उसके बाद माता पिता जो है आपको जन्म तो दे देते हैं, लेकिन आपको सजाते संवारते कौन है? आपके शिक्षक है। आपको जीने लायक बनाते हैं कौन? आपके शिक्षक। आपको इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे निपटना है, क्या कहाँ कैसे रहना है, आपको कौन तैयार करते हैं? आपको जीने लायक सही रूप से एक सही इंसान का जो रूप देते हैं वो आपके शिक्षक होते हैं। इसके कोई ज़रूरी है कि आप मतलब कोई भी शिक्षक है जो आपको क सिखाए हैं, जो आपको क पढ़ना सिखाए हैं, लिखना सिखाए हैं, सबको जो है सब के प्रति सम्मान रखना चाहिए। गुरु के प्रति कभी भी अनादर का भाव नहीं रखिए। लेकिन ये बात है कि आने वाला समय में कुछ शिक्षा जो दूत है वो लोग भी, इससे उन लोग का भी जिम्मेवारी है कि इस गुरु और शिष्य के परंपरा को जो है वर्षों वर्षों युगों युगों बनाकर जो है आगे बढ़ाया जाए। तो बच्चा सब आ गया, चलिए देखिएगा। तो आप लोगों के ऊपर जो है जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को बखूबी से निभाना है, बढ़ना है, इस समाज में कुछ अपना एक छाप छोड़ के जाना है ताकि लोग आपको याद करें और आपको क्या करे, सर आपको को बिठाए, आपका सम्मान प्रतिष्ठा और आपके माता पिता का भी प्रतिष्ठा बढ़े, इसे मन से पढ़ना है। और शिक्षक दिवस ही मना देने का मतलब यह ना है कि हम गुरु की बहुत इज्जत करते हैं। गुरु की इज्जत मतलब यह होता है कि दिल से होता है। और आप जो है, आप हमको जो है ये कुछ अगर देना चाहते हैं शिक्षक दिवस पर जो है, अपने अपने गुरु को हर कोई चाहता है कि अपना से अपने हिसाब से अधिक सर को जो है खुश करने की कोशिश करें। तो हम जो है ये जो बेकार के सब रंग बिरंग के प्रोडक्ट जो है देता है लोग, इस आप जो है 450 नंबर को जो है टच करेंगे हर हाल में, बोलिए, और पूरा अपना कोशिश रखेंगे कि हम जो है 450 सर को जो है नंबर लेकर देंगे ही देंगे। आप हमारे झोली में, आप हमारे हाथों में नंबर क्या करेंगे, देंगे। आओ आओ, हमको आप लोगों से विश्वास है कि आप लोग जो है जवान के पक्का आदमी हैं और आप लोग जवान के लिए कुछ भी कर दीजिएगा, ऐसा ही होना चाहिए। जवान जी ना कहा से पुराने समय में कहावत था ना, जान जाए मगर जवान न जाए, वचन न जाए। इसलिए वचन, आदमी वचन न टूटे इसके लिए आदमी क्या से क्या कर देता था, जान भी जान का वैल्यू भूल देता था वचन को निभाने के लिए। इसके लिए कई हमारे देश के महावीर तो महापुरुष लोगों का जो है योगदान रहा, बात सही है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों का जो है बहुत सहयोग अच्छा रहा, बहुत खुश हुए आप लोगों से के कार्यों से, और आप लोगों ने बहुत सका है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और आप लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना किया। चलिए ठीक है, आप लोग कौन है? छोड़ दीजिए।